की इस भागदौड़ी भरी ज़िंदगी में हर कोई दो पैसे कमाने और बचाने के लिए दिन रात मेहनत करता है कुछ लोगों को कम मेहनत में अच्छी सफलता मिल जाती है वहीं कुछ लोगों को तमाम कोशिशों के बावजूद भी मेहनत के मुताबिक ना तो धन मिलता है और ना ही उसकी बचत हो पाती है इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे कुंडली में कोई अशुभ योग खराब ग्रह या वास्तु दोष। हालांकि ज्योतिष में इन समस्याओं को ठीक करने के लिए कई उपाय भी बताए गए हैं सुख समृद्धि और धन का कोष बढ़ाने के लिए रविवार को कुछ उपाय करने से धन वैभव और यश में वृद्धि होती है साथ ही जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को भी मिलते हैं और नौकरी कारोबार में भी लाभ मिलता है तो चलिए जानते हैं रविवार के ये कुछ खास उपाय रविवार का दिन प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है इस दिन प्रातः स्नान के बाद उगते हुए सूरज को जल जरूर दें कहा जाता है कि इस दिन भगवान सूर्य की विधि विधान से पूजा आराधना करने से तमाम तरह की बाधाएँ दूर होती हैं और नौकरी कारोबार में सफलता मिलने लगती हैं आर्थिक समस्याओं से निजात पाने और बाधाओं को दूर करने के लिए रविवार के दिन किसी सरोवर या नदी के किनारे जाकर मछलियों को आटे की गोली खिलाएँ यदि कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर है तो मछलियों को आटा खिलाने से लाभ मिलेगा साथ ही कर्जे से भी मुक्ति मिलेगी यदि आप धन संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं तो इससे निजात पाने के लिए रविवार के दिन तीन नई झाड़ू खरीद कर ले आएँ इसके बाद अगली सुबह देवी के मंदिर में इसे चुपचाप रखाएँ इस बात का ख्याल रखें कि आपको कोई इस कार्य के लिए टोके नहीं जल्द ही धन से जुड़ी समस्याएँ दूर होने लगेंगी यदि आप आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं तो रविवार के दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ देसी घी का दीपक जलाएँ ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में वास करती है इसके अलावा रविवार का दिन दान करने के लिए बेहद शुभ माना जाता है मान्यता है कि इस दिन गुड़ दूध चावल या कपड़ा दान करने से सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं साथ ही आपके मान सम्मान में वृद्धि भी होती है ऐसे वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद